हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना क्या होती है और उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में, एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल्स फोर्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस और पाई कॉम्प्लेक्सेस, एंड लास्ट इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में। तो वन बाय वन हम एक एक करके इन्हें हम देखते हैं कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। लोकलाइज्ड यानी कि स्थानीयकृत रासायनिक बंध। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं किसी एक स्थायी यौगिक या अवस्था को प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक बंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द एटम्स पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, यानी कि जो दोनों परमाणु हैं जो मिलकर के उस बंध को बनाते हैं वो क्या करते हैं? इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पार्टिसिपेट करने वाले उस रासायनिक बंध में, यदि वो बंध बनाने के पश्चात उन दोनों परमाणुओं के मध्य ही स्थित रहते हों, यानी कि वो वहीं पर ही लोकलाइज हों, फिक्स हों, हम कहते हैं क्या? लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, जो कि एक प्रकार का सहसंयोजक बंध भी होता है। और इस सहसंयोजक बंध की प्रकृति के बारे में हम दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, जिनके द्वारा हम इस सामान्य हमारा जो सहसंयोजक बंध है इसकी हम विवेचना करते हैं, जिनको कि हम आगे किसी अन्य चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को हम एक एक करके यहाँ पर हम देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, यदि हम बेरिलियम, बोरोन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन विन्यास को यदि हम देखें, तो हम देखते हैं कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s2 और बोरोन का विन्यास है 1s2 2s2 2px1। इसी प्रकार से कार्बन का विन्यास है 1s2 2s2 2px1 2py1। तो यदि हमारे सामान्य संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर यदि हम विवेचना करें, तो हम ये देखते हैं कि बेरिलियम के पास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और बोरोन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब बेरिलियम को कोई भी बंध नहीं बनाना चाहिए और बोरोन को सिर्फ एक, और इसी प्रकार से कार्बन को सिर्फ दो। लेकिन हम जानते हैं क्या कि बेरिलियम BeCl2 जैसे यौगिक बनाते हैं, BH2 जैसे यौगिक बनाते हैं, BF2 जैसे यौगिक बनाते हैं, यानी कि दो बंध बनाते हैं। इसी प्रकार से बोरोन त्रिसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जैसे कि BCl3, BC3, BH3। इसी प्रकार से कार्बन चतुसंयोजी यौगिक बनाते हैं, CH4, C2H6। तो ऐसा क्या होता है उसमें? तो जनरली क्या होता है कि इन सब व्यवहार को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जो संरचना संकल्पना है वो प्रतिपादित की गई लाइनस पॉलिक के द्वारा सर्वप्रथम। इनके अनुसार जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से मिक्स होते हैं और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिनकी सबकी ऊर्जाएं समान होती है और समान आकृति के होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए बने हुए ऑर्बिटल होते हैं वो नए ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं। These hybridized orbitals then take part in overlapping to form equalized bond. अब ये जो hybridized orbital हैं, ये क्या करते हैं? अतिव्यापन में भाग लेते हैं, जिससे कि सभी एक समान बंध का निर्माण करते हैं। तो hybridization को यदि आपको परिभाषित करना हो, तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे हम? तो वो प्रोसेस जिसमें कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ नियर बाय या नियरली सेम एनर्जी इन एटम, यानी कि एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले जो विभिन्न कक्षक हैं वे आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? मिक्स होते हैं।
और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में क्या बनाते हैं, नए कक्षों का निर्माण करते हैं सेम एनर्जी के साथ और सेम साइज के साथ, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो नए बने ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। तो किसी भी प्रकार के संकरण हो, संकरण के कुछ ऐसे नियम्स हैं या ऐसे रूल हैं जिनकी की पालना होना अनिवार्य है। क्या है, सबसे पहले नियरली सेम ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आयन कैन हाइब्रिडाइज, यानी कि एक ही आयन या एटम के लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं केवल वे ही संकरण में भाग लेते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर टेकिंग पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की जितनी संख्या होती है उतनी ही मात्रा में नए संकरित कक्षों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो संकरित कक्षक होते हैं वे दिशात्मक गुण लिए हुए होते हैं, इसीलिए वे मजबूत बंध का निर्माण करते हैं। सेम एटम के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से अभिविन्यासित होते हैं कि उनके मध्य में न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जिससे कि वे अधिकतम स्थायित्व प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से जो उनकी जो साइज और शेप होती है वो सेम होती है, यानी कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी साइज और शेप तो क्या होती है, लगभग सबके समान होती है, परंतु उनका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में या स्टीरियो ओरिएंटेशन जो है उनका स्पेस में वो अलग अलग होता है। बाय द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु पर क्या संकरण की अवस्था है उस आधार पर हम उसकी ज्यामिति और उसके बॉन्ड एंगल को आसानी से समझ सकते हैं या देख सकते हैं। कक्षकों का योगदान होता है संकरण में, न कि इलेक्ट्रॉनों का। अर्थात कक्षक चाहे खाली हो या अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो, किसी भी प्रकार के हो संकरण में भाग ले सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड में रिमेन इन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि जो संकरित कक्षक होते हैं उनके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन हो वो इनमें क्या उपस्थित हो सकते हैं। संकरण के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, तो ये हम प्रकार यहाँ पर हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काम में आने वाले हमारे मुख्य मुख्य प्रकार है हम केवल उन्हीं के बारे में यहाँ पर विवेचना करेंगे। तो देयर कैन बी मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हम ये देखते हैं कि एक s ऑर्बिटल होगा और तीन p ऑर्बिटल्स जो कि px py pz हैं वो आपस में मिक्सेस होकर के क्या देंगे, हमें चार नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देंगे जिनकी की आकृति और ऊर्जा समान होगी, और ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक प्रकार से रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्यवस्थित होते हैं जिनका की बंध कोण 109° 28' होता है। इस प्रकार से एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल है, मिक्स होकर के चार sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल्स हैं कुछ, और हम यहाँ पर हम मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1। तो जो कार्बन है वो एक्साइटेड स्टेट में अपने 2s2 के एक इलेक्ट्रॉन को 2pz ऑर्बिटल में क्या कर देता है, भेज देता है। तो एक s और तीनों p कक्षक मिलकर के क्या बनाते हैं, चार sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं इस प्रकार से, जिनके के मध्य बंध कोण 109° 28' है। और फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके sp3s सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं जो दिशात्मक गुण लिए हुए होते हैं, और उससे एक मजबूत बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के क्या देंगे, हमें तीन नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देंगे जिनके की ऊर्जा आकृति समान होती है, और ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं वो एक रेगुलर कोप्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में यानी कि समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे जिनका की बंध कोण 120° होगा। एक s है और दो p ऑर्बिटल, तीन हम क्या बना दिए इन्होंने sp2 ऑर्बिटल बना दिए।
एग्जाम्पल एथीन प्रोपीन ग्रेफाइट, यहाँ पर हम एथीन का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, संकरण किस प्रकार से होगा, एक्साइट स्टेट के अंदर वही 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये sp2, 1s और 2p मिलकर के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2pz में अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रह गया, वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये हमारा कार्बन, इसका पहला sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, ये दूसरा कार्बन, इसका पहला sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, और एक pz इसके पास, एक pz इसके पास। ये तीनों sp2 ने तो क्या किया कि इसने तो दो हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड, इसने भी दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और दोनों sp2 ने एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड। अब ये दोनों के पास एक एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या किया इन्होंने, कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण किया, ये पाई बॉन्ड का निर्माण किया। इस आधार पर C2H2 यानी कि एथीन की स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, दोनों मिलकर के क्या देंगे, दो नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, सेम एनर्जी सेम साइज में, दो ऑर्बिटल होंगे, लीनियर ज्योमेट्री में व्यवस्थित होंगे और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एथाइन का है, ये एथाइन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन पहला sp, दूसरा sp, दूसरा कार्बन पहला sp, दूसरा sp, एक sp ने H के साथ, इस sp ने H के साथ, और दोनों एक दूसरे के sp, sp ने एक दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो HCCH ये स्ट्रक्चर बन गया। अब चूंकि एक sp ही यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन, जो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, वो उनमें असंकरित रह गया, तो यहाँ पर py में, pz में, यहाँ पर py में, pz में, तो यहाँ का py इस py के साथ समान तल में है लंबवत अवस्था में, तो यहाँ पर कोलेटरल ओवरलैपिंग होने से यानी कि समपार्श्विक अतिव्यापन होने से पाई बंध का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से ये pz जो है वो इस py के लंबवत अवस्था में है, तो ये भी उसी अवस्था में है, तो यहाँ पर एक और py का, एक और पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एथाइन में दो डबल बॉन्ड के निर्माण को समझ सकते हैं संकरण के माध्यम से। किसी कार्बनिक यौगिक में विभिन्न कार्बन पर उपस्थित संकरण की अवस्थाओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, तो वो ये, इफ कार्बन बॉन्ड एटम इज बॉन्डेड विथ 4 sigma bond, 4 sigma बंद है तो sp3, 3 sigma 1 pi तो sp2, 2 sigma 2 pi तो sp, तो जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, 1 sigma एक और सिग्मा, तो 2 sigma और 2 pi है, तो ये sp है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी विवेचना हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियोस अच्छे लगें तो आप इन्हें ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।